यदि कोई अवस्था बहुत लंबी अवधि तक बनी रहे तो इसका परिणाम यह होता है कि उस अवस्था के प्रति एक सहजता धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है, और यह सहजता यदि स्थायी हो जाए तो एक समय के बाद दर्द का एहसास होना भी समाप्त हो जाता है। यह बात लगभग सभी जगह लागू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल और आप सभी का SSM शारदा IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश में बेरोजगारी की स्थिति की। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का भाव स्थायी हो जाए तो यह राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि बेरोजगारी का एहसास ही समाप्त हो जाएगा तो इसका परिणाम देश में अस्थिरता के रूप में होगा तथा इस अस्थिरता के व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव होंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही बेरोजगारी भारत के सामने उपस्थित सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर सभी संभव प्रयास किए, किंतु आज़ादी के 75 साल के बाद भी बेरोजगारी अधिक जटिल रूप से एक चुनौती बनी हुई है। बेरोजगारी एक बहुआयामी समस्या है। जनसंख्या बढ़ने के साथ यह और भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। शिक्षा में गुणवत्ता की कमी और सही समय पर सही करियर का चयन न हो पाना इस समस्या को और अधिक बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी को घटाने के लिए जरूरी है रोजगार का सृजन, और बढ़ती जनसंख्या के साथ रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है कि प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों को भी विकसित किया जाए। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कृषि क्षेत्र कितना सहयोग कर सकता है। विश्व में इस बात पर सहमति है कि सर्वप्रथम प्राथमिक क्षेत्र को विकसित किया जाए, उसके बाद द्वितीयक और फिर तृतीयक, परंतु भारत में विभिन्न चुनौतियों के चलते द्वितीयक क्षेत्र अर्थात विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र उतना विकसित नहीं हो पाया जितना तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र विकसित हुआ। और ये हम सभी जानते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है वो तो कभी विकसित हो ही नहीं पाया। भारत में लगभग 45-50% श्रम शक्ति कृषि के ऊपर निर्भर है। भारत की GDP में कृषि से अधिक योगदान होने पर भी औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र उतना रोजगार सृजन नहीं कर पाते जितना कृषि क्षेत्र से होता है। अतः ये आवश्यक है कि बेरोजगारी उन्मूलन के लिए, रोजगार सृजन के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कृषि क्षेत्र को इसकी पूर्ण क्षमता तक लाया जा सके तो यह देश में बेरोजगारी दर को घटाने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकता है। इस वीडियो में हम एक एक करके बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कृषि क्षेत्र किस तरह से बेरोजगारी उन्मूलन में या रोजगार सृजन में सहायक हो सकता है। इस वीडियो में अलग अलग हिस्सों में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बेरोजगारी का अर्थ क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि बेरोजगारी स्थायी क्यों है, बेरोजगारी दर में वृद्धि के राष्ट्रीय और वैश्विक कारण क्या क्या रहे हैं, वैश्विक वित्तीय एजेंसियों द्वारा वित्त वर्ष 23-24 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या होगी, रोजगार सृजन में कृषि क्षेत्र की क्षमताएं क्या हैं, कृषि क्षेत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियां क्या हैं, कृषि क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास क्या क्या किए गए हैं, और भविष्य में राह क्या हो यानी कि आगे की राह क्या होगी। ये हमारे अलग अलग हिस्से होंगे इस वीडियो में जिसपे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी का अर्थ क्या है। जब एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा हो किंतु उसे कोई कार्य न मिल रहा हो तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी स्थायी क्यों है, दूसरा हिस्सा हमारा इस वीडियो का है कि बेरोजगारी स्थायी क्यों है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से ही भारत में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए जाने वाला निवेश घटा है, जबकि निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाला निवेश बढ़ा है। निजी क्षेत्र मुनाफे के लिए कार्य करता है और इसके द्वारा निवेश तभी किया जाएगा जब लागत और मुनाफा आने की संभावना हो। यह तभी संभव है जब बाजार में मांग हो, यानी कि निजी क्षेत्र केवल तब निवेश करेगा जब बाजार में मांग होगी, और बाजार में मांग केवल तब होगी जब लोगों की जेब में पैसा होगा। यानी कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होगी तो इसका प्रभाव रोजगार सृजन के ऊपर भी होगा, यदि मांग में कमी होगी तो रोजगार भी घटेंगे। ऐसा हमने COVID-19 में भी देखा था। अब हमने देख लिया कि अगर मांग में कमी होगी तो रोजगार सृजन में भी कमी होगी। अब इसका तीसरा हिस्सा हम लोग देखते हैं
कि हाल ही के वर्षों में बेरोजगारी दर में वृद्धि के राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्या क्या कारण रहे हैं। सबसे पहला जो कारण बना वो था सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक बदलाव। हालांकि ये संरचनात्मक बदलाव अवश्यंभावी थे, ये आवश्यक थे, होने ही थे, जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी और बाकी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। दूसरा, वैश्विक प्रभाव। वैश्विक स्तर पर कुछ घटनाएं हुई जिनका प्रभाव पड़ा और जिसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ी। इसमें पहला है कोविड-19 महामारी। इस कोविड-19 महामारी के दौरान जितने भी क्षेत्र थे वो लगभग सभी बंद हो गए। केवल कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा था जो अपनी पूर्ण क्षमता, जितनी भी उसमें हाल की फिलहाल है उस क्षमता के हिसाब से वो कार्य कर रहा था, और केवल यही एक ऐसा क्षेत्र था जो सकारात्मक रहा। दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध। इसने महंगाई को बढ़ाया, महंगाई का असर लोगों की जेब पर आया, लोगों ने खर्च करना बंद किया और उसका भी एक इम्पैक्ट आया। अगला जो हिस्सा है वो है कि वैश्विक वित्तीय एजेंसियों द्वारा वित्त वर्ष 23-24 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। जितनी भी वैश्विक एजेंसियां हैं इन्होंने भारत के बारे में जो विकास दर अनुमानित की है वो सकारात्मक ही की है, उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। लेकिन कुछ वैश्विक एजेंसियों ने अपनी अनुमानित विकास दर को अब घटा दिया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 23-24 में भारत की अनुमानित विकास दर 6.1% से घटाकर के 5.90% कर दी है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने यह दर 6.6% से घटाकर 6.3% कर दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह दर 7.2% से घटाकर 6.4% कर दी है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दर को 6.4% से बढ़ाकर के 6.5% कर दिया है। अब ये जो घटोतरी हुई है मोटे तौर पर हम ऐसा मान सकते हैं कि निजी निवेश में कमी और अल्लीनो प्रभाव के चलते शायद ये की गई होगी, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर ग्रोथ उतनी नहीं है, तो इसलिए भारत की जो ग्रोथ रेट है, भारत का जो विकास दर है, उसको भी कम ही प्रेडिक्ट किया गया है। अब बात करेंगे रोजगार सृजन में कृषि क्षेत्र की क्षमता की। कृषि क्षेत्र में क्षमता है, बस उस क्षमता का रियलाइजेशन नहीं किया गया है, उसको एहसास नहीं किया गया है कि उस क्षेत्र में क्षमता है। रोजगार सृजन में कृषि क्षेत्र हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जो घाटे के बाद भी बंद नहीं होता। कोविड-19 महामारी के दौरान भी केवल यही एक ऐसा क्षेत्र था जिसका उत्पादन सकारात्मक था। कृषि क्षेत्र 45-50% तक श्रम शक्ति की खपत कर लेता है, यानी कि 45-50% लोग अपने रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर होते हैं। हालांकि कृषि क्षेत्र में जो ज़्यादातर रोजगार है वो मौसमी है, यानी कि सीजनल है। वित्त वर्ष 22-23 में केंद्र सरकार ने अपने बजट का 3.36% आवंटन कृषि क्षेत्र के लिए किया था। वित्त वर्ष 23-24 में यह आवंटन 2.7% किया गया है। यदि हम कृषि क्षेत्र में क्षमता वर्धन करने में सक्षम हो सकें तो यह अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक रोजगार सृजन करने में सक्षम है। अब हम लोग बात करेंगे कृषि क्षेत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की। भारत का जो कृषि क्षेत्र है यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जो इसकी उत्पादकता, स्थिरता और समग्र विकास को प्रभावित करती हैं। इनमें कुछ प्रमुख चुनौतियां अगर हम उनकी बात करें तो वे हैं छोटी एवं खंडित भूमि जोत, यानी कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, मानसून पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन मानसून, कटाई के बाद नुकसान और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार से जुड़ाव और कीमतों में उतार चढ़ाव, मार्केट लिंकेज एंड प्राइस वॉलेटिलिटी, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कृषि क्षेत्र के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। कृषि क्षेत्र को एक लाभ का व्यवसाय बनाने और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, नीम कोटेड यूरिया, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ईनैम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये कुछ स्कीम ऐसी हैं जो प्रमुख हैं।
इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, इन सब के द्वारा भी किसानों को सक्षम बनाया जा रहा है। साथ में जो अन्य सब बद्ध क्षेत्र हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र को अन्य संबद्ध क्षेत्रों के साथ जोड़ते हुए किसान की आय को दोगुना करना भी भारत सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। तो अगर हम देखें तो भारत सरकार जो कदम उठा रही है वो किसानों के हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम देखेंगे कि आगे की राह क्या हो। इस पूरी चर्चा को अगर हम देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि कृषि क्षेत्र को उसकी पूर्ण क्षमता तक लाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार एवं समाज दोनों को ही साथ मिलकर काम करना होगा। सरकार ने निश्चित रूप से सराहनीय कदम उठाए हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी निजी निवेश की आवश्यकता है। मनरेगा का कृषि से जुड़ाव, एपीएमसी एक्ट में सकारात्मक बदलाव, स्टोरेज की समस्या का समाधान तथा सहकारी खेती, ये कुछ कदम ऐसे हो सकते हैं जो कृषि क्षेत्र द्वारा रोजगार सृजन करते हुए बेरोजगारी उन्मूलन में सहायक होंगे। इस चर्चा को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे।